मैम आप ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं जी? हाँ जी मैम। कौन सा स्कूल में? एनडी रूम का उच्च विद्यालय में। एनडी रूम का विद्यालय। कितने दिन का ट्रेनिंग है? 14 दिन का ट्रेनिंग। मैम कहाँ से हैं? पूर्णिया से, गिरजा चौक पूर्णिया से। तो मैम ट्रेनिंग 15 दिन है। इससे पहले कब ज्वाइन किया है? 28 को हम लोग BRC आए, 30 को इस स्कूल में ज्वाइन किया है। चलिए थैंक यू। मैम शरीफ के बाद में मैम बोल रहे हैं आप ट्रेनिंग के लिए मैम अभी आए हुए हैं इसमें? सर अभी तो ओरिएंटेशन के लिए आई हुई हूँ सर। तो मैम बच्चे के साथ ही ना आप लोग पढ़ाइएगा अभी ट्रेनिंग में? हाँ अभी बच्चों के लिए ही इस स्कूल में बुलाया गया ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा हेजिटेशन जो होता है वो दूर हो जाए क्लासेस में जाके। तो मैम आप कहाँ से हैं? हम सर कटिहार से, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। हमारा सिलेक्शन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ है। प्रखंड आपका कटिहार में? शमेली। आपको यानी बगल का? जी जी मैं बगल की हूँ। तो उम्मीद लग रहा है कि आप अच्छे करेंगे क्योंकि आप बगल का है तो आपको भी पता होगा कि बिहार का क्या। जी जी तो इसी उम्मीद के साथ तो आए हैं सर यहाँ। आप कौन सा क्लास के लिए मैम ज्वाइन किए हैं? सर हम 9th-10th के लिए। सभी मैम 9th-10th के लिए बोलेगा कि 12th वाला भी 11th वाला भी? 11th-12th की एक मैडम है, बाकी हम लोग सब 9th-10th के लिए। आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए? सर इंग्लिश के लिए। तो मैम आप लोग जनवरी कहाँ मनाएंगे? स्कूल में अपने सारे नए नए टीचर्स भाई बंधुओं के साथ। जी क्या कुछ है? आप लोग कितने दिन मनाएं कि मैम ऐसे बस खाए थे हैं कि अभी तो हम लोग जो लंच लेके आए थे घर से बस उसी पे डिपेंडेंट है। बाकी जो हम लोग के और भी टीचर्स है वो बाहर जाके कुछ कुछ खा लिए, बाकी हम लोग तो बाहर नहीं गए, बस लंच बॉक्स जो लाया था वही खाया हम लोगों ने। अभी मैम आप लोग घर से ही आते हैं? हाँ पूर्णिया में डेरा ले लिया है, वहीं से आते जाते हैं। तो अच्छा मैम आप लोगों के लिए जो यानी 9 से 5 स्कूल है, क्या मैम आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि 5 बजे अभी ठंड का मौसम अभी देख रहे हैं यानी शाम हो जा रहा है। तो आप लोग क्या इसके लिए कुछ मांग करते हैं सरकार से कि इसमें? नहीं सरकार का डिसीजन के साथ ही हम लोग है। हाँ। बाकी अगर 9 से 5 टाइम हुआ है तो इसका असर अभी नहीं दिखेगा 10 साल बाद, लेकिन इसका इम्पैक्ट बच्चों पे जरूर दिखेगा। लेकिन मैम दिखेगा तो वो सही, लेकिन गर्मी में करना चाहिए, अभी ठंड था तो कुछ। सर ये सरकार की अपनी राय है, इस पे मैं चुप ही रहना पसंद करूंगी। थैंक यू सर। सर आप भी एनडी रूमटा उच्च विद्यालय में यानी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किए, कब किए हैं? ये हम लोग 27 को काउंसलिंग करवाए थे, 28 को हम लोगों को BRC जलालगढ़ भेजा गया, वहाँ से हम लोगों को एनडी रूमटा उच्च विद्यालय जलालगढ़ में ओरिएंटेशन के लिए दिया गया है। 14 दिनों की ये है होती है, इसमें हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना होता है। सब्जेक्ट के लिए सर हम 9th-10th में है और हिंदी सब्जेक्ट है मेरा, इसके लिए हम। कहाँ से सर आप? सर हम मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड से है। आप भी है बिहार है? जी बिल्कुल, सटा हुआ जिला ही है मधेपुरा और ग्वालपाड़ा भी सटा हुआ ही है पूर्णिया से लगभग। जी तो आप लोग लेकिन बिहार को बदलेंगे है ना? बिल्कुल सर, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि अगर BPSC पास करके हम लोग आए हैं, हमारे BPSC के जो चेयरमैन है अतुल सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इतनी सुविधा देते हुए इतना अच्छा एग्जाम लिया और हम लोगों ने इसमें सफल भी हुए हम लोग। तो हम लोग का पूरा पूरा ये रहेगा कि बच्चे जो हैं हमारे इस जिला के जहां हमारी पोस्टिंग होती है हम उनको 110% अपना दें, और जिस तरह से हमें उन्होंने जॉब दिया है तो हम भी यहां के ननिहाल जो हैं छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य गढ़े। यानी सर आप लोग ही बिहार का शिक्षा विभाग या भविष्य को यानी उजागर कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा लोगों का सोचना है तो बिल्कुल सही है, और हम लोग पूरी कोशिश भी करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ कि जल्द ही हमारे जो बच्चे हैं उसमें बदलाव देखने के लिए मिल भी रहा है, और इस बार जो हम लोगों की बहाली हुई तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर ज्यादा फोकस करके काम करेंगे कि बच्चे अच्छे हों, पढ़ने में तेज हों और हमारा बिहार का भविष्य जो है वो सुनहरा हो, अच्छा हो। और सर आप यानी अलग अलग राज्य से भी यानी शिक्षक की नियुक्ति किया गया है ना सर? जी सर। ताकि यानी अलग अलग जगह से यानी टीचर आए तो बिहार में बच्चे में कुछ बदलाव हो, क्योंकि अगर एक ही जगह रहेगा तो लगा कि सरकार को भी पहन रही कुछ, तो अलग अलग जगह से आने उसका कुछ अलग इफेक्ट इसमें पड़ेगा क्या सर? नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने बहाली की है और दूसरे राज्य के कैंडिडेट को भी मौका दिया है तो उनका लाभ ही मिलेगा,
कुछ बच्चे हैं बिहार के जो दुखी हैं, लेकिन अदर स्टेट के भी आते हैं तो विभिन्न तरह के पृष्ठभूमि से आते हैं, सांस्कृतिक उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, तो निश्चित रूप से उनका लाभ बच्चों को मिलेगा। और हमको लगता है कि जो भी बीपीएससी से आए हैं, हम लोग जो भी आए हैं, सब अच्छे शिक्षक हैं, और पूरी उन्होंने उन्होंने जो अभी हम लोग क्लास लिए उससे हमने देखा कि हमारे जो सहयोगी शिक्षक भी थे जो बीपीएससी से हम लोग के साथ आए हैं, अच्छे पढ़ा रहे थे और वो पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। बिहार का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा, इसकी पूरी संभावना है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे सीमांचल न्यूज, मैं आपके साथ अजय कुमार, अभी एनडी रुमटा विश्वविद्यालय जलालगढ़ में यानी 13 शिक्षक शिक्षिकाएं आए हुए हैं यानी ट्रेनिंग पीरियड में, यानी बीपीएससी पास करके वो लोग यहाँ पे 15 दिन का ट्रेनिंग करेंगे और बच्चे के साथ पढ़ाएंगे। अगर हो सके तो 15 दिन के अंदर में बीच में एक बार हम क्लास में भी आने का सर लोगों को देखेंगे, सर लोग कैसे बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं और कैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद।